तो गाइस अब हम फूफी भतीजी बना रहे हैं कबाब और रोटी। कितने भुजाई बर्तन धोते हैं मैं कॉफी आ चुकी है गाइस, कैसी लग रही है मेरे पप्पो के हाथों पे प्यारी प्यारी मेहंदी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेगा लाइफ फैमिली ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी मैं नहाकर आई हूँ। आज का ब्लॉग मैंने शाम को शुरू कराया है क्योंकि आज हमने की है अपनी फुप्पो की दावत, क्योंकि मेरी फुप्पो की थी वेडिंग एनिवर्सरी 29 सितंबर को, पर उस दिन उन्होंने अपने घर में सेलिब्रेट करी थी छोटी मोटी सी। तो आज अम्मी ने उनकी दावत करी है, तो हम कर रहे हैं अपनी दावत की तैयारी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ बना रही है मुस्कान चिकन कोरमा और बनेंगे हमारे शामी कबाब। तो ये उसका मटेरियल रखा है। आटा गूंदने के लिए जा रही हूँ और फुप्पो हमारे नीचे आ चुकी हैं, तो मैं आटा वाटा गूंद लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। गाइस हमारा चिकन कोरमा यहाँ पे बन रहा है, आपको मैंने बताया था। मुस्कान ने चटनी भी पीस ली है और अब मैं बना रही हूँ प्याज का लच्छा। और ये है हमारे समक बाबू, ये प्याज का लच्छा जैसे कि आपको मैंने बता दिया है, मगर ये मुस्कान बाबू मेरे को कैमरा लेके आती है ना, तो मैं दोबारा बता देती हूँ। यहाँ मैं प्याज काट रही हूँ लच्छे के लिए और फुप्पो बना रही है शामी कबाब। जिनकी दावत है उन्हें हमने काम पे लगा दिया है। हमारे फुप्पो बेचारी बिना कुछ बोले हमारी हेल्प करा रही है। तो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी फुप्पो ब्लॉग में क्यों नहीं बोल रही है, तो फुप्पो के ना बोलने का मैं आपको रीजन बताती हूँ। एक्चुअल में हमने अभी 3 से 4 महीने पहले एक ब्लॉग बनाया था, इसमें नंद भावच की लड़ाई दिखाई थी, हमने एक प्रैंक शूट किया था। तो उसके बाद पप्पो के पास कितनी कॉल आने लगी सबकी कि तुम्हारी नंद भावच के साथ में लड़ाई हुई थी क्या, अम्मी और पप्पो की तुमने लड़ाई दिखाई थी। मगर वो लड़ाई जो थी वो बिल्कुल फेक थी, वो सिर्फ एक प्रैंक था। हमारी पप्पो तो इतनी अच्छी है कि पप्पो कभी किसी से लड़ती ही नहीं है, इनका नेचर है ही नहीं लड़ने वाला, जैसे लड़ाई करनी हो मुझसे कर लो। और अगर आप में से किसी ने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो उस ब्लॉग को जाके जरूर देखना। उसमें निजामुद्दीन की दरगाह भी दिखाई है हमने, तो थंबनेल जो है उसमें निजामुद्दीन की दरगाह का भी सीन है, क्योंकि उसके बाद हम निजामुद्दीन गए थे घूमने के लिए। कि आप जरूर देखना, उसमें थंबनेल जो है निजामुद्दीन की दरगाह की है और उसी के अंदर अम्मी और पप्पा ने प्रैंक करा था, ठीक है। तो जिसे नहीं देखा वो ब्लॉग जरूर जाकर देखना। पप्पा हमारी इस वजह से ब्लॉग में नहीं बोल रही है। अच्छा पप्पा बोलोगे नहीं कि एक बार बटन से हाँ कर दो, यही बात है ना, यही ले लेना। हाँ यही ले लेना। देखो गाइस अब हम फूफी भतीजी बना रहे हैं कबाब और रोटी। पप्पो बना रही है इधर कबाब और मैं बना रही हूँ रोटी। तो गाइस पप्पो ने कबाब बना दिए हैं, अब पप्पो की नमाज का टाइम हो जाएगा। पप्पो लाई नमाज पढ़ने के लिए अपना मेकअप रिमूव करके, मेकअप खाई नहीं उन्होंने, करंदा लिपस्टिक लगा रखी है। पप्पो पढ़ रही है नमाज। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान पे हमारे सारे ही आइटम बनके तैयार हैं, हमारे कबाब, चिकन कोरमा, प्याज का लच्छा, हरी चटनी, लाल चटनी और पापा के लिए स्पेशल थाली। ये गरीब का खाना, सादी रोटी चटनी। ऐसा करो ये गरीब वाला खाना मुझे दे दो। नहीं नहीं नहीं, का खाना मैं ही खाएगा। पापा ने आज अपने लिए कुछ बनवाया नहीं, पापा ने कहा कि मैं चटनी और प्याज का स्पेशल रोटी खा लूंगा, तो तुम लोग अपने लिए बना दो। तो हमने अपने लिए बना लिया है, तो हम शुरू करते हैं। फूफा जी निकालिए, शुरू करो भाई, शुरू करो भाई। लो भाई निकालो, शुरू करो, निकालो, करो निकाल ले। लो पापा तो Thank you.
मेरी आपके खाना खा लीजिए, मुस्कान भाई के खाना लगाओ। अच्छा और क्या करें? खाना लगाओ उसके जल्दी से, क्या खाएं? अरे चाटा खा लेगी जल्दी, खाना लगा। तो गाइस बर्तन धो धोते नीचे से ऑर्डर आया है कि कॉफी भी बना ली जाए, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कॉफी। और गाइस कितना अच्छा होता ना अगर मेरे फूफो का लड़का नहीं लड़की होती तो आज मैं इससे बर्तन धुलवा लेती कॉफी बनवा लेती, अगर ये समझ के लगा हमारा समायरा होता कितना अच्छा होता। जिम से आ गए, जिम से। अब तू कब करेगा जिम? बड़ा होगा करूँ। और कितना बड़ा होगा तू? कितने घुस जाइए बर्तन धोते में। खाना खा ले। जैसे कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पर्दे वगैरह धुलते हैं ना, वहाँ पर जो झाड़ू वाड़ू लगानी होती है बंदे, चूड़ी तोड़ दी, चूड़ी है कल आई टूटी है, देखिए मुस्कान का हाथ बहुत टूटा, हमारे घर में कभी किसी का हाथ नहीं टूटा। हाँ मैं टूटन थी, टूटती रहती थी, टूटते रहते थे, मैंने बनाया। मेरे भाई एक बार, भाई मेरे हाथों का टेस्ट कर ले मेरे भाई। भाई मैंने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया भाई। मैं कोरमा नहीं खाता। प्यारा गाना गा दिया, ऐसा ना हो कि मेरी वीडियो पर कॉपीराइट आ जाए। हेलो परेशान, हो सकता है ना मुझे मत मारो प्लीज, यार मेरा मत मारो। आपकी कॉफी आ चुकी है। मैंने बनाई है, पीजिए। तो चाय लोगी, कॉफी लो, जरूरत है चाय जो आप पियो। तो मैं तो पीऊंगा नहीं भाई, मेरी स्पेशल कॉफी बना के लेकर आई हूँ। तो पिएगा परेशान, या फिर एक कप मुझे लगा मेरी है वो। हाँ तो दो हैं बच्चे में, वहाँ पे तेरी है, मैं नहीं पीऊंगी। हाँ बनाई मेरे लिए थी मेरे नाम से, और अब पी सक रहे हो तुम। दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा, कॉफी पे एक और भी तो है, गोली गोली पे भी तो लिखा है, है? हम हो जाते हैं फूफा के लिए कॉफी बना लो, फूफा के लिए कॉफी बना लो, फूफा मिट्टी पी रहा है, तुम मिट्टी पी रही हो। कहा फूफा नहीं था, फूफा के पाने से मिल गई, मतलब इनको भी इससे बढ़िया तो हमारा बेटा गाते था। तुम गाओ
ऐसा गाना ना गाते हम सैया भैया के। वही तो गाना है, वही तो गाना सुनाओ ना। सुनाओ आज अपने सुर ताल छेड़ो। यही गाओ सैया। अरे सैया गाना गाते हैं। तो भैया गा दो किसी का। बचपन में खुद हम सैया थे। सब कहते थे बचपन में सैया थे तो। दो गाना कोई तुम गाना नहीं दे पा रहे मुझे। मेरी बहुत सीधी है और ऐसे वैसे सीधी खानदान में दो सीधे हो, एक तुम्हारी भूख और एक तुम सीधी हो, बाकी टेढ़े तक हम ही है। जब भी पूरे परिवार में जिक्र आता टेढ़े का तो सबसे ज्यादा ऊपर नाम मेरे ही होता। सरवर हुसैन कादरी। देख लो बच्चे बच्चे की जबान बनाओ, मैं बच्चे बच्चे की। तुम क्या साल के साल में भूख तेज है? नहीं जी, इतनी मासूम सीधी भोली भाली भूख दी है तुम हमें और तुमने हमें हमने तुम्हें दी है। सरवर हुसैन कादरी और देते हर मौके पे हाजिरी। ये मैं अपने फुफ्फो को सजा रही हूँ। ये मेरा बेटा सीधा, हम दोनों बाप बेटे सीधे हैं बहुत। मैं अपने फुफ्फो को सजा रही हूँ। फुफ्फो के एनिवर्सरी पे तो मैंने बहुत याद लगा रही हूँ। फुफ्फो की एनिवर्सरी सारे आप पूरी कर दे तू। तो गाइस कैसी लग रही है मेरे फुफ्फो के हाथों पे प्यारी प्यारी मेहंदी? मैंने खुद ही प्यारी प्यारी बोल दिया। तो कैसी लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अभी आधी हुई है, आधी बाकी है। तो गाइज हमारी मेहंदी लग चुकी है, कैसी लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और किसी को लगवानी हो तो आ जाओ, मैं लगा दूंगी। ये गहरा बेकार, तो चुप ही हो जा। तो कैसी लग रही तुम बताओ? बढ़िया। उप्पो से मैंने बुलवाई लिया आके। बहुत सुंदर लग रही है। अरे मुंह पे लगा दूंगी जल्दी सारी, सबका टीका लगाऊ। बाय पप्पो। अच्छा भाई चलते हैं हम। बाय 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 बाय। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि आज हमने अपने फूफा और फूफो की दावत करी थी उनकी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए, तो वो लोग अब अपने घर जा चुके हैं। तो आज की वीडियो को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।